Once again, welcome student. You are watching JK Spoken English. So today in this video, I'm gonna share with you the latest update about September month. Not only latest update, but also the overview of all the exam which will be conducted in September month. कौन से एग्ज़ाम का लेवल इजी रहेगा, कौन से का हार्ड रहेगा. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमने जो भी प्रेडिक्ट किया है, लाइक आप वीडियोस देख सकते हो रिव्यू और प्रेडिक्शन की, जिसमें हमने एज अ प्रूफ रिव्यू की वीडियो में प्रेडिक्शन के स्क्रीनशॉट दिए हैं. कोई भी चैनल वाला आपको स्क्रीनशॉट नहीं देगा, बट हम आपको स्क्रीनशॉट देते हैं ताजो किसी भी बच्चे के मन में कोई डाउट ना रहे. ठीक है, सिक्स और एट्थ ऑफ अगस्त का जो एग्ज़ाम हो चुका है उसके स्क्रीनशॉट देखो, साथ ही साथ प्रेडिक्शन की है, साथ ही रिव्यू के. एज इट इज़ सेम आया एग्ज़ाम. ठीक है, होप्सो कि जे वाली जो प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं वो भी एज इट इज़ सेम आए. ठीक है, वीडियो को विदाउट स्किप के वॉच करना. कि कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हो. ये रेलेवेंट सॉल्यूशन जरूर लेके आएंगे. किसी भी मॉड्यूल के लिए सेपरेट क्लासेस ले सकती है, लाइक राइटिंग, स्पीकिंग या फिर ग्रामर. ठीक है, आज ही हमसे कॉन्टैक्ट करो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप नंबर पर. सो लेट्स गेट स्टार्ट. ओके, तो वीडियो के लास्ट में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ समथिंग, कुछ स्पेशल गुड न्यूज़ आपके लिए सितंबर मंथ के बच्चों के लिए. तो इस वीडियो को विदाउट स्किप के एंड तक वॉच करना. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट एग्ज़ाम विच इज़ ऑन 5th of September. दैट इज़ ओनली फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स. तो चलिए इसका लेवल देख लेते हैं क्या होगा. फर्स्टली जो एग्ज़ाम है, मंथ का फर्स्ट एग्ज़ाम है, तो इसका लेवल रहेगा इजी टू मॉडरेट. बाकी इसकी ओवरऑल हम प्रेडिक्शन बना रहे हैं 1/1. जब अगस्त मंथ में एग्ज़ाम फिनिश हो जाएंगे तो उसके बाद सितंबर मंथ के एग्ज़ाम की जो हम प्रेडिक्शन डालेंगे, जो कि एज इट इज़ सेम होगा एग्ज़ाम. ठीक है, एग्ज़ाम में जाने से पहले प्रेडिक्शन वीडियो चेक करके जाना. प्रेडिक्शन एक गैसवर्क होता है जो कि किया जाता है हमारे लास्ट एग्ज़ाम को देखते हुए. उसको मद्देनज़र रखते हुए हम उसकी प्रेडिक्शन डाल कि एग्ज़ाम में जे टास्क 1 आ सकता है, जे टास्क 2 आ सकता है, रीडिंग लिसनिंग में क्या कुछ आ सकता है, तो वो सारा कुछ प्रेडिक्ट किया जाता है. तो जो फर्स्ट एग्ज़ाम रहेगा 5th of September का, उसका लेवल रहेगा ईजी टू मॉडरेट. इन टर्म्स ऑफ सेकेंड एग्ज़ाम विच इज़ 12th of September 2020. ठीक है, तो जे वाला एग्ज़ाम है बोथ जीटी और एकेडमिक के बच्चों के लिए. तो जीटी वाले बच्चों के लिए जे रहेगा मंथ का फर्स्ट एग्ज़ाम. देन इसका लेवल रहेगा इजी टू मॉडरेट एज वेल. लिटिल विट मॉडरेट रहेगा एज कम्पेयर टू जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा 5th of September का, उससे लिटिल विट मॉडरेट रहेगा. बट इतना भी ज़्यादा मॉडरेट नहीं होगा इसका लेवल. तो जो भी बच्चे डेट बुक करना चाहते हैं जीटी वाले, तो वो फर्स्ट वाली डेट ले सकते हैं, और जो एकेडमिक वाले हैं वो 5th of September और जे वाली डेट दोनों ही ले सकते हैं. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन विच इज़ ऑन 17th of September, जो कि 17th of September है. दैट इज़ अगेन फॉर बोथ जीटी एंड एकेडमिक स्टूडेंट्स. तो जे दोनों के लिए है, एकेडमिक और जीटी के बच्चों के लिए, तो इसका लेवल रहेगा मॉडरेट. तो इसके बारे में ओवरऑल जो डिटेल से हम बात करेंगे वो 1/1 सेपरेट वीडियो में करेंगे. जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट क्लोज आएगी वैसे ही हम प्रेडिक्शन इसकी डालेंगे, जो कि हमारी एज इट इज़ ट्रू होती है. ठीक है, एज अ प्रूफ आप चेक कर सकते हो हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन और रिव्यू की वीडियो मैच कर सकते हो, जिसमें हमने स्क्रीनशॉट आपको दे रखे हैं. ठीक है, लास्ट वन एग्ज़ाम रहेगा 26th of September को, जिसका लेवल रहेगा मॉडरेट टू हार्ड. ठीक है, जो एग्ज़ाम होने वाला है डिफ़िकल्ट एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ 3 एग्ज़ाम्स, उनके कंपैरिजन से जे वाला एग्ज़ाम रहेगा मॉडरेट टू हार्ड. सो जो स्टिल जिन बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस है उनके लिए कुछ भी डिफ़िकल्ट मॉडरेट नहीं है. ठीक है, जो ओवरऑल डिपेंड होता है बच्चे पे, उसकी प्रैक्टिस पे. अगर उस बच्चे की अच्छी प्रैक्टिस है देन उसके लिए डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है, सब कुछ ईजी हो जाता है. डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम भी उसको ईजी लगता है. बट अगर किसी बच्चे की अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, उसको ईजी एग्ज़ाम भी डिफ़िकल्ट लगेगा. ठीक है, डिपेंड करता है एक बच्चे की प्रैक्टिस पे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. अगर अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करके जो बताना. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में.